के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सदर लोकसभा निर्वाचन में प्राप्त 31 नामांकन पत्रों में से 21 हुए खारिज। जिलाधिकारी ने कहा अब 10 प्रत्याशी लड़ेंगे सदर लोकसभा सीट से चुनाव। बांसगांव लोकसभा सुरक्षित सीट से 11 में से कांग्रेस प्रत्याशी सहित 7 नामांकन पत्र हुए खारिज। सिर्फ 4 प्रत्याशियों के पर्चे पाए गए वैध। बेलीपार थाना क्षेत्र के भरवलिया गांव में बंद पड़े मकान को चोरों ने बनाया निशाना। गहने समेत लाखों की चोरी। सीओ बांसगांव के नेतृत्व में डाक स्क्वाड तथा फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस 1 मई को। कुलपति प्रोफेसर विजय के सिंह ने कहा नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम को बनाया जा रहा है और स्ट्रांग। एडीएम सिटी ने कहा सुरक्षा के हैं पूरे इंतजाम। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने रुद्राभिषेक के बाद किया रोड शो। लोगों को बताई मोदी व योगी सरकार की उपलब्धियां। कहा केंद्र में एक बार फिर बनाए मोदी सरकार। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी ने 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे 15 अराजपत्रित रेल कर्मियों को दिया गोल्ड प्लेटेड मेडल। समापक राशि का प्रपत्र एवं सेवा प्रमाण पत्र प्रदान कर किया सम्मानित। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार। हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के मुहिम के साथ रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की छात्राओं ने मतदान के लिए लिया शपथ। कहा मजबूत लोकतंत्र के लिए अवश्य करें मतदान। गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला के चुनावी जंग में साथ देने उतरी उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला। अपने पति के जीत के लिए लोगों से मांगा वोट। कहा रवि किशन को पहुंचाएं संसद में। और हिंदी फिल्म 1978 नाइट आउट 3 मई को सिनेमाघरों में होगा रिलीज। फिल्म के गायक ने दी जानकारी।